और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। घायलों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। कुम्हारी हादसे पर में जो घायल हैं उनसे मुलाकात की गई है। रायपुर एम्स पहुंचकर घायलों का मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना। एम्स में 10 घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो पाई है। 10 जो जख्मी है वो रायपुर एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। जिनका हालचाल जानने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और घायलों का उनकी ओर से हालचाल जाना गया और उसके बाद न्यायिक जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर 14 से अधिक लोग फिलहाल जख्मी हैं, जिनमें से 10 की स्थिति थोड़ी गंभीर है और उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। और यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम घायलों का उन्होंने हालचाल जाना है। घायलों में 6 महिलाएं शामिल हैं, इसमें 4 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। कुल मिलाकर 10 घायल जो हैं वो रायपुर एम्स में भर्ती हैं, जिनमें से 2 से 3 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। कुल मिलाकर 12 मजदूरों की मौत की फिलहाल पुष्टि हो पाई है। दरअसल एक बस में सवार होकर 40 मजदूर जा रहे थे। बस अनियंत्रित होती है, 50 फीट गहरी खाई में गिर जाती है, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। 12 मजदूरों की मौत हो गई है। 14 से अधिक जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रायपुर एम्स में 10 मरीजों को शिफ्ट किया गया क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर बताई जा रही थी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनसे मुलाकात की है, उनका हालचाल पूछा है। इसके बाद जांच के आदेश भी दिए गए। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कलेक्टर की ओर से पहले ही दे दिए गए हैं और कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। कई स्तर पर यहां पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है और परिवहन विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुम्हारी हादसे में घायलों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर एम्स पहुंचे, वहां पर एक एक कर तमाम घायलों से मिले। ये अंदर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टरों से भी उन्होंने पूरी जानकारी ली घायलों की स्थिति को लेकर। 10 जख्मी जो है उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 6 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। कुल मिलाकर 14 से अधिक फिलहाल मजदूर जख्मी हैं। 10 को रायपुर एम्स में भर्ती किया गया है। 12 मजदूरों की मौत यहां पर हो गई है, जिसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो ये भीषण हादसा हुआ था कल देर रात, जहां पर अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरी खाई में एक बस गिर जाती है। बस में कुल मिलाकर 40 मजदूर सवार थे, जिनमें से 12 की मौत हो गई। 14 से अधिक मजदूर फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। 10 घायलों का हालचाल जानने जो कि रायपुर एम्स में भर्ती थे, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया था और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किन किन स्तर पर लापरवाही यहां पर हुई है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि बस के अंदर लाइट नहीं थी और जिस रूट से बस अक्सर गुजरती है वहां पर भी लाइट की कोई सुविधा नहीं थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। तो कई स्तर पर लापरवाही की बात सामने आ रही है। हालांकि जांच का विषय है कि यह हादसा होता कैसे है और जांच के बाद ही जो कार्रवाई है वो भी दोषियों पर की जाएगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, मुख्यमंत्री रायपुर एम्स पहुंचे, वहां पर घायलों का हालचाल जाना, 10 घायल वहां पर एडमिट किए गए हैं। मुख्यमंत्री जब निकले क्या क्या उन्होंने कहा, जांच के आदेश दिए गए हैं, कितनी टीमें बनाई गई हैं और मुआवजे को लेकर क्या कोई बात कही है मुख्यमंत्री ने? देखिए बिल्कुल, हमने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो चूंकि आज वो आए हुए थे यहाँ एम्स पे और एम्स में जो मरीज हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, जो घायल थे जिसमें से 2 की हालत जो है अभी गंभीर बताई जा रही है और दोनों के दोनों जो है वो महिला है। हालांकि बेहतर स्वास्थ्य का उपचार को लेकर के कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी निर्देश दिए हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है
और इस घटना को लेकर के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। और जो घायल हैं, घायलों का बेहतर उपचार के दिशा निर्देश भी हमारी ओर से दिए गए हैं। लेकिन जो मुआवजे की बात है, तो मुआवजे को लेकर के उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही है कि कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की जो बात है वो कंपनी की ओर से कही गई है। लेकिन देखिए, चूंकि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है तो ऐसे में मुआवजे की घोषणा कर पाना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तमाम जो जांच के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जो जांच है वो कराई जाएगी। और खास बात ये है, उन्होंने ये बात कही है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और फिलहाल अब चूंकि यहाँ पहुंचे और तमाम मरीजों से भी बात की, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है दर्शकों को कि मुख्यमंत्री किस तरह मरीजों से मुलाकात किए, बातचीत किए। लेकिन देखिए, सवाल अभी भी जरूर बना हुआ है, जांच के बाद किस तरह कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा घायलों का हालचाल जानने के बाद, वो भी आप सुनिए। दुर्घटना बहुत दुखद है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं। और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पूरा प्रशासन, वहां कलेक्टर, एसपी सब पहुंच गए। बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। इलाज यहां बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेंगे। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर भी विचार किया जाएगा।